नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार मैं नरेश महानंद आपका लाइव शो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि झूठा कौन है, प्रभु यीशु मसीह या फिर मसीही लोग, दोनों में से कौन है झूठे। इस विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये विषय कैसा है, क्योंकि इसका ना तो कोई हाथ है, ना पैर है, ना तो कोई सिर है, और ये विषय कैसा उटपुटांग है। तो शुरू करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि ये विषय मैंने क्यों बनाया। झूठा कौन है, यीशु मसीह या फिर मसीही लोग। तो चलिए शुरू करते हैं और उसके बाद समझते हैं। आज बहुत सारे लोग आज पूरे पृथ्वी में क्रिश्चियन बन रहे हैं, मसीही बन रहे हैं, लेकिन मैं ये बता देना चाहूँगा कि जितने सारे लोग क्रिश्चियन बन रहे हैं या मसीही बन रहे हैं या जीसस क्राइस्ट को एक्सेप्ट कर रहे हैं या यीशु को प्रभु जान करके अंगीकार कर रहे हैं, वो तो सब ठीक है, लेकिन आज इन्हीं मसीही लोगों के कारण अन्य जातियां में ठोकर के कारण बन रहे हैं। ये मसीही लोग ही ठोकर का कारण बन रहे हैं, लोगों को बरगला रहे हैं, लोगों को प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध में भड़का रहे हैं। अब ये बोलेंगे आप कि ये कैसा संभव है, ये कैसे पॉसिबल है, लेकिन मैं ये बता देना चाहूँगा कि ये पॉसिबल है और ये संभव है, क्योंकि आज हमने बहुत सारी बातों को देखा है और जानते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं पूरे पृथ्वी में। दोस्तों, आज बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं है कि यीशु मसीह को ग्रहण क्यों कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कर रहे हैं, यीशु मसीह को ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है, और ये इनकी तादाद जो है बढ़ते जा रही है, बट उन लोगों को मालूम ही नहीं है कि वाकई में यीशु मसीह को हमें क्यों ग्रहण करना है, यीशु मसीह को प्रभु क्यों स्वीकार करना है, या यीशु मसीह के पीछे क्यों चलना है, या उसकी बातों को क्यों मानना है। आज बहुत सारे लोग, कुछ लोग तो लालच के वजह से प्रभु को ग्रहण करते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, वो आप अपने अपने मतलब एरिया में देख सकते हैं, अपने शहर में देख सकते हैं, अपने गांव, अपने बस्ती, अपने मोहल्ले में देख सकते हैं, और कुछ लोग जो है अपने स्वार्थ के लिए यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, ठीक है, और कुछ लोग जो है प्रभु से मुक्ति पाने के लिए, पापों की क्षमा के लिए ग्रहण करते हैं। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, ये लालच क्या चीज़ का है जो आज लालच के वजह से लोग ग्रहण कर रहे हैं। लालच ऐसा रहता है कि देखिए, जब तक आप क्रिश्चियन नहीं बनेंगे तो आपको क्रिश्चियन लड़की नहीं मिलेगी। आपको सर्टिफिकेट देना बहुत जरूरी है क्रिश्चियन लड़की से शादी करने के लिए, है ना। क्रिश्चियन बनेंगे तो बैप्टिस्ट सर्टिफिकेट मिलता है, और ये एक लालच हो गया। और उसके बाद क्या है कि कोई चंगाई का लालच, है ना, लालच जो है चंगाई का या स्वार्थ, अपने चंगाई के लिए क्रिश्चियन बन रहे हैं, अपना उधारी कर्जा बाड़ी छूटने के लिए, अपने परिवार को स्वस्थ चंगा करने के लिए, मेरे मम्मी का इतना तबीयत खराब था, मेरी पत्नी को बच्चा नहीं हो रहा था, मेरे को ये हो गया था, फलाना ढिमका ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, और मैं ठीक हो गया, और इस प्रकार से ना जाने कितनी सारी बातें वे सब लोग करते हैं। लालच और स्वार्थ के लिए आज यीशु मसीह को ग्रहण किया जा रहा है। उनको 1% भी मालूम नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह को क्यों ग्रहण करते हैं और प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने से क्या मिलता है। तो आज बहुत सारे लोग उद्धार और पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर रहे हैं, जो कि बाइबल के अनुसार है। जो मैंने पहले बताया, चंगाई और स्वार्थ और लालच, है ना, ये सारी चीज़ बाइबल के अनुसार नहीं है यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए, ठीक है। और मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ कि 80% बाइबल नहीं पढ़ते हैं लोग, क्रिश्चियन लोग जो है 80% बाइबल नहीं पढ़ते हैं, और 20% क्रिश्चियन जो हैं वो बाइबल पढ़ते हैं। लेकिन ये 20% पढ़ने वाले जो हैं, पहली बात तो 80% पढ़ने वाले लोगों को भेजा में कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि वो प्रभु को क्यों ग्रहण किए हैं या उनको कैसे आगे चलना चाहिए। ऐसे लोग जो 80% वाले लोग हैं, इन लोग सिर्फ पास्टर पर डिपेंड रहते हैं, और ये पास्टर, ये पॉप, ये जो फादर हैं, इन लोगों पर डिपेंड रह करके इन लोगों से सुनते हैं। तो और 20% जो हैं, 20% ये 20% लोग वो हैं जो कि बाइबिल पढ़ते तो हैं लेकिन इनको समझ में नहीं आता, और ये दूसरे को समझा भी देते हैं, जिसमें कैटेगरी में आते हैं पॉप, फादर, प्रचारक, है ना, जो अपने आप को डिकन, ये सब जो भी समझते हैं, पास्टर, है ना, ये उन्हीं लोग हैं 20% जिन लोगों को समझ में नहीं आता है, और वही जो है समझाते हैं, सिर्फ वही बाइबिल पढ़ते हैं,
और बाइबल पढ़ने के बाद भी वो समझ नहीं पाते हैं, जिनके वजह से बहुत सारे लोग भ्रम में रहते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। कोई कोई 10 साल का क्रिश्चियन, 10 साल से क्रिश्चियन है, 5 साल से है, 20 साल से, 25 साल से, कोई बोलता है मैं बचपन से हूँ, कोई बोलता है 50 साल से, कोई बोलता है 70 साल से, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उनको समझ में ही नहीं आता है कि वो प्रभु को क्यों ग्रहण किए। कुछ लोग, कुछ पास्टर ऐसे हैं, ऐसे थे कि प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद अब उनका फैमिली, वो एक प्रचारक थे और बोलते थे कि मैं 20 साल से प्रचार कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। बट यहाँ पर एक दिन क्या हुआ कि उनकी पत्नी गाड़ी चला करके ला रही थी, कार, और उसके अंदर बच्चे बैठे हुए थे। अब उसके अंदर जो बच्चे बैठे हुए थे वो सीट बेल्ट भी लगाए हुए थे, सब अच्छा था, कार चला के ला रही थी, लेकिन कुछ कारणवश जो है ट्रक से वो टकरा गए और ट्रक कार के ऊपर चढ़ गया और सारे बच्चे और पत्नी मर गए। तो ये जो है, ये हादसा उसको सहन नहीं हुआ। जब मैं प्रभु का 20 साल से सेवा कर रहा हूँ तो मुझे परमेश्वर ने मेरी बेटी को, मेरे बच्चे को, मेरी पत्नी को क्यों नहीं बचाया, ऐसा बोला और उसने क्रिश्चियनिटी छोड़ दिया। ये महामूर्खों वाली बात है, वो सोच रहा है इस जीवन में। देखिए, थॉट देखिए कि यहाँ पे बाइबल हमें क्या सिखा रही है और पास्टर हमें क्या सिखा रहे हैं। बाइबल हमें सिखाती है कि हमें इस जीवन में कोई भी इच्छा लालच नहीं करना है। प्रभु देगा, जो देना है वो जानता है कि वो क्या, मेरे बच्चे को क्या चाहिए, वो मन की मनसा को जानता है, मनों का जांचने वाला परमेश्वर है। यहां पर आप अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए नहीं जी रहे हैं, बल्कि परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए जी रहे हैं। और जब आपकी इच्छा पूरा नहीं होती है तो आप नाराज होकर के आप अपने परिवार को छोड़, मतलब प्रभु यीशु मसीह को छोड़ करके चले जाते हैं। ऐसे ऐसे लोग भी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो क्रिश्चियनिटी को छोड़ रहे हैं। जब चाहे मन लगता है तो प्रभु को ग्रहण कर लेते हैं और जब चाहे मन लगता है तो छोड़ देते हैं। ये कोई हंसी मजाक खेल थोड़ी ना है, उन लोगों को मालूम ही नहीं है। लेकिन ये सब के जिम्मेवार कौन है? ये प्रचारक है, ये पास्टर है, जो उनको उल्टी सीधी बातें बताते हैं, स्वार्थी और लालच का उनको मोह दे करके यहाँ क्रिश्चियन बना रहे हैं, प्रभु में ला रहे हैं। ऐसे लोग, इन्हें तो दो गुना सजा मिलेगा, दो गुना मौत मिलेगा। बाइबल में लिखा हुआ है दो गुने सजा के हकदार हैं उपदेशक। तो ये इस बात को आप गौर करें कि अभी आप प्रभु को जानते हैं तो कितने हद तक जानते हैं, आपने यीशु मसीह को क्यों ग्रहण किया, इस बात को आप गौर करें। अब मैं आपको और एक बात बता रहा हूं कि यीशु मसीह को ग्रहण करने से हमें दो ही फायदे मिलते हैं, और वो दो फायदे क्या हैं? पहला, पापों की क्षमा, वो भी जीते जी, और अनंत जीवन मृत्यु के बाद, स्वर्गीय अनंत जीवन मृत्यु के बाद। ये दो ही चीज है जो मिलता है। अगर ये दोनों चीज में से आपको कुछ नहीं चाहिए तो आप यीशु मसीह को ग्रहण मत करो। लेकिन कुछ लोग चंगाई चाहते हैं, कुछ लोग, मेरा आज यीशु मसीह को आपने क्यों ग्रहण किया, उन लोग कहते हैं नहीं मेरा ऐसा था वैसा था, मैं कर्जा में था, मैं प्रार्थना किया, कर्जा छूट गया, वाह, मैं, मेरी बीवी को बच्चा नहीं हो रहा था, बांस थी वो 10 साल से, लेकिन जैसे ही हम प्रार्थना करवाए बच्चा हो गया, वाह, तो हम क्रिश्चियन बन गए। अरे तुम्हारी इच्छा पूरी हुई, तुम स्वार्थी हो, एग्रीमेंट हुआ, मतलब ठीक होगा तो मैं क्रिश्चियन बनूंगा और ठीक नहीं होगा तो क्रिश्चियन नहीं बनूंगा, ऐसा सोच करके अगर आप प्रभु को ग्रहण कर रहे हैं तो आपसे बड़ा दोषी इस दुनिया में कोई भी नहीं है। आप गलत फहमी में जी रहे हैं कि ये दो चीज को छोड़ और आपको किसी चीज की आशा है, जैसे कि ये पापों की क्षमा, ठीक है, और दूसरा स्वर्गीय अनंत जीवन को छोड़ और कोई चीज की आशा है आपको, तो पौलुस कहता है कि आप इस दुनिया के सबसे बड़े अभागे हैं। आइए हम वचन से देखते हैं कि प्रेरित 2:38 में क्या लिखा है कि यीशु मसीह को ग्रहण करने से क्या होता है। तो आइए हम देखते हैं, यहाँ पे प्रेरित काम 2:38 में लिखा हुआ है, पत्रस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले लो, तो पवित्र आत्मा का दान पाओगे। प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने से पापों की क्षमा मिलती है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे 6:40 पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6:40 पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है,
क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। यही होगा यीशु मसीह को ग्रहण करने से, अनंत जीवन मिलेगा, पापों की क्षमा मिलेगी, ना कोई बंगला गाड़ी मोटर ये सब नहीं। आज तो दुष्ट लोग भी कमा रहे हैं। अगर आपके में इतनी कैपेबिलिटी है, अगर आप कमा सकते हैं जितनी पैसे कमाना है कमा सकते हैं, गाड़ी बंगला मोटर सब खरीद सकते हैं, कर्जा भी छूट सकते हैं, अगर आपको बच्चा नहीं हो रहा है तो पैसा भी है तो आप टेस्टी बेबी भी कर सकते हैं। इस दुनिया में कुछ चीज़ असंभव नहीं है। अगर मरते मरते भी आपका जान बचा है तो आप उस जान के लिए नहीं या उस शरीर के लिए नहीं, बल्कि आप अपने आत्मा के लिए प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें, इस बात को याद रखें। फिर उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं यूहन्ना 20 उसका 30-31 में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर देखते हैं कि यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए हैं, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। ये बाइबल जो है हमें इसलिए मिला है कि हम विश्वास करें कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। यानी कि यहाँ पर विश्वास करने से हमें जीवन मिलता है, वो भी अनंत जीवन, वो भी ऐसा पाप से मुक्ति वाला जीवन है ना। और इसी प्रकार से हम यूहन्ना 3:16 भी पढ़ेंगे। यूहन्ना 3:16 बहुत सारे लोग जानते हैं ना, वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। देखिए, यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद सिर्फ और सिर्फ अनंत जीवन की बात यहाँ पे हो रही है, सिर्फ और सिर्फ अनंत जीवन और पापों की क्षमा की बात। बाइबल में कहीं नहीं ये लिखा है ऐसे कि बहुत सारी चंगाई मिलेंगी, बहुत सारे एक ठो वचन को लेकर के ज़्यादातर लोग बोलते रहते हैं, वो कौन सा वचन है? मत्ती 6:33 एक बार हम निकालेंगे, वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वो उसी वचन को लेकर के ज़्यादातर लोग बोलते रहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो तो तुम्हें सब वस्तुएं मिल जाएंगी। ये रॉन्ग इंटरप्रिटेशन करते हैं बहुत सारे पास्टर लोग, तो ये बात वो नहीं है। पहले उसके राज्य और धर्म की खोज क्या है ये समझना बहुत जरूरी है, और आप कैसे खोज करेंगे ये समझना बहुत जरूरी है, और उसके बाद क्या मिलेगा ये समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे संसार की वस्तुओं का कोई मोल नहीं है। आपके में कैपेबिलिटी है, आप कमा सकते हैं, आपके पास बुद्धि है, स्मार्ट जॉब करते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ खरीद सकते हैं, बट यहाँ पर जो है यीशु मसीह सिर्फ और सिर्फ पापों की क्षमा और अनंत जीवन के लिए ही हैं। तो आप इस बात को याद रखें, और रॉन्ग इंटरप्रिटेशन और डेफिनेशन दूसरे को देने से पहले, गलत समझाने से पहले खुद सीखें। क्योंकि मैं इस बात को नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि यहाँ पर जो बात है पॉलुस भी कहता है और बाइबल में बताती है, बाइबल कहती है, पहला कुरिन्थियों उसका 15:19 में यहाँ लिखा हुआ है, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं, इसी जीवन में आप मसीह से आशा रखेंगे, मेरे बच्चे मेरी पत्नी अच्छे से रहें, मेरा और भी बच्चे हों, या मेरा घर बन जाए, बंगला बन जाए, गाड़ी मिल जाए, ये हो जाए, वो कर्जा छूट जाए और मैं शांति से रहूँ, सुकून से रहूँ, कोई भी बीमारी आए चंगाई हो जाए, पैसा जमा करूं, प्रोजेक्ट बनाऊं, बिजनेस करूं, इसी जीवन में सिर्फ आप आशा रख रहे हो और आप अपने जीवन को व्यर्थ गंवा दिए हो इन सांसारिक कामों में हैं, और आत्मिक जीवन में आलस हो गए हो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं, सांसारिक अभिलाषा की आशा रखते हैं, तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। हम सभी मनुष्यों से अधिक अभागे हैं, हम अभागे हैं अगर हम ऐसा सोचते हैं। इस बात को आप याद रखें, आप यीशु मसीह को क्यों ग्रहण किए हैं, और अगर आपकी सोच अलग थी तो अब आपको सोच बदलना पड़ेगा। आपको अपने दिमाग में यह सोचना पड़ेगा कि मैंने यीशु मसीह को क्यों ग्रहण किया है। क्या पहला पापों की क्षमा के लिए ग्रहण किया, क्या दूसरा मुक्ति के लिए? नहीं, आप तो उसके चंगाई को देख करके विश्वास किए, लेकिन यह गलत है।
वचन में लिखा है कि जितने भी इसमें चिन्ह चमत्कार लिखे गए इन पर विश्वास करके यीशु को परमेश्वर का पुत्र ग्रहण करना है। योहन्ना 20:31 हम पढ़ें, इस बात को गौर करें। तो दोस्तों आज जो हमारा वचन है यही समाप्त होता है, हमारा विषय यही समाप्त होता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट बनाए हैं या आप लोगों को बताया है, बट ये सब्जेक्ट थोड़ा अलग इसीलिए है क्योंकि आज बहुत सारे क्रिश्चियन जो है उनको मालूम ही नहीं है कि वो क्रिश्चियन क्यों बने, और बहुत सारे क्रिश्चियन एक दूसरे क्रिश्चियन को देख करके क्रिश्चियनिटी को छोड़ करके भाग रहे हैं। वो पास्टर ऐसा कर दिया और क्रिश्चियन लोग तो ऐसे होते हैं वैसे होते हैं। अरे उनको छोड़ो, पहले अपने आप को देखो। वचन में लिखा है अपने भाई का आंख का लट्ठा निकालने से पहले अपने आंखों में झांक करके देखो। तो हमें किसी को देख करके छोड़ना नहीं है प्रभु को, बल्कि और सुधरना है, उनको समझाना है, सिखाना है, और उनके साथ हमें अच्छा बर्ताव करना है, और हमें धीरे धीरे उनको विश्वास में मजबूत बनाना है। अगर विश्वास नहीं है, लोगों से ठोकर खा रहे हो आप, तो प्रभु यीशु मसीह को छोड़ोगे तो उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, आप ही का बिगड़ेगा। जो सजाए मौत लिखा गया है वो तो मिलेगा, लेकिन अगर हम प्रभु यीशु मसीह के सच्चे अनुयायी हैं, सच्चे चेले हैं, तो हम प्रभु यीशु मसीह का बात मानेंगे। अगर आपको किसी पास्टर से नफरत है, अगर आपका कोई पास्टर जो गलत काम कर दे और आप मसीह पर बदनाम लगा रहे हो, मसीही क्रिश्चियनों पर बदनाम लगा रहे हो, या फिर आप बाइबल पर इल्जाम लगा रहे हो, आप यीशु मसीह को देखो, यीशु मसीह की से चाल चलो। पॉलिस बोलता है मेरी की से चाल चलो, और वचन बोलता है कि उसके जैसे नम्र दीन बन जाओ, जो कि परमेश्वर का पुत्र होते हुए अपने आप को शून्य कर दिया। आप यीशु की चाल चलिए ना, सबका न्याय करेगा परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के अनुसार ही करेगा, प्रभु यीशु मसीह करेगा। तो दूसरे को देख करके यीशु मसीह को ग्रहण मत करो, दूसरे को देख करके यीशु मसीह को मत छोड़ो। दिमाग में सोचो और दिल से फैसला लो, और परमेश्वर का वचन को दिल में बसने दो। अगर पढ़ोगे नहीं तो शैतान से लड़ोगे कैसे, बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा, आपके जीवन को बर्बाद कर देगा। तो किसी पास्टर को मत देखो, किसी विश्वासी को मत देखो, सिर्फ और सिर्फ वचन को देखो। वचन ही है जो हमें सारे मुसीबतों का सामना करने सिखाता है और सारे सिचुएशन को समझने का मौका देता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और इसी प्रकार से हम नए नए वीडियो के साथ आपके पास आते रहेंगे। आप हमसे जुड़े रहें, हमारे NGO के साथ जुड़े रहें, परमेश्वर की सेवा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़ करके अपने कार्यों को हमारे साथ कर सकते हैं, हमारे NGO में भी काम कर सकते हैं। हमारा एक छोटा सा लाइफ सो फाउंडेशन है, NGO है, जो कि इसमें अनाथ आश्रम खुला हुआ है। आप हमारे अनाथ आश्रम में प्रति माह का कुछ छोटा सा दान राशि हमें भेज सकते हैं हमारे अकाउंट नंबर में, और हमारे यहाँ बाइबल कॉलेज में आप आ सकते हैं, 3 साल का डिग्री ले सकते हैं, खाना पीना रहना फ्री है, और ऑनलाइन बाइबल क्लास भी आप कर सकते हैं। और इसी प्रकार से हमारे पास गॉडसन एंजल एकेडमी एक छोटा सा बोर्डिंग स्कूल है जो कि 4 मंजिला है, आप वहाँ पे अपने बच्चे को एडमिशन भी करवा सकते हैं, जो कि कुछ परसेंट आपका माफ भी हो जाएगा। और इसी प्रकार से आप हमारे साथ जुड़ करके बहुत सारे कामों को, सोशल वर्क को, सामाजिक कार्य को भी आप कर सकते हैं। हमारे अनाथ आश्रम में भी एजुकेशन, फ्री एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट भी हमने खोला है, ब्यूटी पार्लर और नर्सिंग का, टेलरिंग का और कंप्यूटर का, जो बच्चे लोगों को हम फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाते हैं। हमारे अनाथ आश्रम के लिए अगर आपके पास कोई बच्चे हों तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, और हमारे साथ जुड़ करके परमेश्वर के राज्य की सेवा कर सकते हैं। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेना चाहेंगे, परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। नमस्कार, गुड बाय।